सात बजते ही प्रियंका गांधी ने पूरे देशवासियों को दिया भयंकर गुड न्यूज। उछल पड़े कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता। जी हाँ, आपको बताई चली कि जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन का उद्घाटन किया है, तो वहीं विपक्षी पार्टी लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर करारा हमला बोलते हुए नजर आ रहे। बताया चले कि मुख्य रूप से 21 विपक्षी पार्टी ने आज नए संसद भवन का वॉकआउट किया और उन्होंने इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार भी किया, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ तमाम दिग्गज नेता भी शामिल रहे। अभी इसी बीच खबर आ रही है कि आने वाले समय में प्रियंका गांधी कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तरह ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी सक्रिय होते हुए नजर आएगी। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बताया चले कि 12 जून को जबलपुर में एक भव्य रोड शो प्रियंका गांधी करते हुए नजर आएगी। बताया चले कि जिस तरीके से सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला है कि प्रियंका गांधी जल्दी मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद कर सकती है, जिसकी घोषणा जल्द ही होने वाली है। लेकिन हम आपको हलचल न्यूज़ पर पल पल की अपडेट प्रियंका गांधी से देते हुए नजर आएंगे। बताया चले कि इस समय हमारे पास यही अपडेट है कि आने वाले 12 जून को प्रियंका गांधी जबलपुर में एक भव्य रोड शो और देर शाम एक भव्य रैली को संबोधित करेगी, तो वहीं देर शाम एक भव्य रोड शो करते हुए नजर आएगी, जिसकी घोषणा होना बस औपचारिक ही रह गया है। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ टैक से हर्षराज की रिपोर्ट।